ये एक्जोक्राइन के तौर पे भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी एक्ट करता है एक्जोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि अपने सिक्रीशंस को ड्रेन करते हैं अपनी डग में ठीक है जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली हॉर्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम के अंदर सिक्रीट करते हैं ठीक है तो एग्जोक्राइंड फंक्शन में इसका आता है डाइजेस्टिव जूसेस पेंक्राटिक जूस जो है वो एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि एक्जोक्राइन पार्ट के, के जरिए से पेंक्रियास के रिलीज होता है अपनी पेंक्राटिक डक में और हिस्सा बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसके बाद जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है एंडोक्राइन पार्ट में इसके पास बहुत से क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं आईलेट्स ऑफ लैंगरेंस और यू कैन से दैट सिंपल आईलेट्स ये आईलेट्स जो है हमारे पास वो तीन टाइप्स के होते हैं अल्फ़ा बीटा एंड डेल्टा एल्फ़ा जो है वो एल्फा आइलेट जो है वो सिक्रीट करता है ग्लूकोगान को बीटा जो है वो इंसुलिन बनाता है एंड लास्ट वन डेल्टा जो कि प्रोड्यूस करवाता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को यहाँ पर मैं इसका बेसिक सा एक रिव्यू दे दूँ कि इनका फंक्शन क्या है इन तीनों हार्मोन्स का जो कि एंडोक्राइन पार्ट से सिक्रीट हो रहे हैं इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को सेकेंड है हमारे पास ग्लूकोग ग्लूकोगॉन अपोजिट एक्ट करता है इंसुलिन से जब भी ब्लड शुगर जो है वो कम होती है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए ब्लड शुगर लेवल्स को ग्लूकोगॉन हार्मोन एक्टिवेट होता है एंड द लास्ट वन इज़ सोमैटोस्टैटिन इट इज एन इनहिबिट्री न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करता है इट मीनस के ये हॉर्मोन जो है वो बैलेंस्ड रखता है आपकी पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस की अमाउंट को अगर बढ़ रहा है तो उसको कम कर देना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा पेंक्राइटिक सिक्रीशंस हो रही हैं और डिमांड कम है तो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन जो है वो आपके इंसुलिन और ग्लूकोगॉन की सिक्रीशंस को कम करता है इस तरह से ये आपके जो पेंक्रियाटिक जूसेस हैं उनकी भी अमाउंट को डिक्रीज करता है तो यहाँ पर हम अब डिस्कस करेंगे इन डिटेल दी पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस उनकी कॉम्पोजिशन और उसके फंक्शंस तो पेंक्रियाटिक सिक्रीशन्स में जो डेली सिक्रीशन है उसकी जो अमाउंट है दैट इज़ वन पॉइंट टू टू वन पॉइंट फाइव लीटर्स और ट्वेल्व हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड एम एल पी एच जो है वो इसका ये जो पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस हैं वो बेसिक होती हैं अल्कलाइन होती हैं इनका जो पी एच है दैट रेंजेस फ्राम सेवन पॉइंट वन टू एट पॉइंट टू कॉम्पोजिशन है हमारे पास ये जो है मेनली वाटर बेस्ड है ये सिक्रीशन इसमें जो वाटर की कॉम कॉम्पोज वो है परसेंटेज है दैट इज नाइंटी फाइव परसेंट उसके बाद है हमारे पास आ, इसका सॉलिड कॉम्पोनेंट इसके अंदर सॉल्यूट्स कौन कौन से हैं दो तरह के हैं जस्ट लाइक द गैस्ट्रिक जूसेस द इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ द आयंस कैट आइंस एंड एन आइंस यहाँ पे मैंशन है नाम उसके बाद है हमारे पास आइंस में जो मेन आयन है वो है बाइकार्बोनेट आयन ठीक है उसके बाद है प्रोटीन्स प्रोटीन्स में दो टाइप के प्रोटीस हैं एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन एक बाइंडिंग प्रोटीन है मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स जो है वो बाइंड करती हैं इसी प्रोटीन के साथ एब्जॉर्प्शन के लिए उसके बाद है हमारे पास इन्जाइम जो कि अगेन ऑर्गेनिक पोर्शन है आपके पेंक्राइटिक सिक्रेशन का इंजाइम्स में हमारे पास पेंक्राइटिक लाइपेज भी है प्रोटीलाइटिक इन्जाइम्स भी हैं और साथ साथ हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ uh, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारे मौजूद है तो यहाँ पे मेंशन है ट्रिप्सिन गाइमोट्रिप्सिन इनको हमने डिटेल में पढ़ा है हर इंज़ाइम का फंक्शन इन दी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स नेक्स्ट है हमारे पास के रेगुलेशन ऑफ पेंक्राइटिक सिक्रीशन अब कितने एम एल ऑफ़ आपकी पैंक्राइटिक सिक्रीशंस बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिहाज से किस वक्त में प्रोड्यूस होंगी इसका जो कंट्रोल है वो दो uh, मतलब पार्ट से है द फर्स्ट वन इज़ योर नर्वस सिस्टम सेकेंड वन इज़ योर एंडोग्राइन सिस्टम तो सेम लाइक द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस ये भी जो है वो न्यूरल एंड हॉर्मोनल मैकेज़म के जरिए से इनकी सिक्रीशंस रेगुलेट कम ज़्यादा होती हैं नर्वस रेगुलेशन इस तरह से होगी आपका जो पैरासिम्पैटिक नर्वस सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ इन डायरेक्ट नर्वस सिस्टम दैट मेनली डील्स विद दी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दी फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द जी ट्रैक तो वो जो सिस्टम है वो मैसेजेस रिसीव करता है और उस मैसेजेस जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स के जरिए से मैसेजेस जाते हैं आपके इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम और इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम कमांड सिग्नल सेंड करता है अगेन आपके पेंक्रियास को कि वो अपनी जो पेंक्रियाटिक सिक्रेशन हैं उनको कम कर सके तो माई पास नर्वस में हमारे जो है वो uh, <coughs> दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स और हारमोन्स इन्वॉल्व होंगे एसिटाइलकोलिन एंड पेप्टाइड ये दोनों हारमोन्स ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस को कम करते हैं पैरासिम्फैटिक एक्टिविटी को रेगुलेट करके पैरासिम्फैटिक उस वक्त एक्टिवेट होता है जब डाइजेशन या रेस्टिंग फेज होता है बॉडी का ठीक है तो इस तरह से होगी न्यूरो न्यूरल रेगुलेशन एस स्टाइल न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व होगा और पेप्टाइड्स नेट्रियोटिक पेप्टाइड्स इन्वॉल्व होंगे इनकी पेंक्राइटिक सिक्रीशंस को बैलेंस्ड रखने के लिए नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनल मैकेनिज्म के कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं पेंक्राइटिक सिक्रीशंस को रेगुलेट करने के लिए तो दो हैं हमारे पास सोमेटोस्टैटिन यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि सोमेटोस्टैटिन एक इनहिबिटरी हार्मोन है ठीक है ये सोमैटोस्टैटन जो है वो दो तरह के नेक्स्ट हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट करता है वो हैं सेक्रेटिन एंड कोलिसटोकाइनन सेक्रेटिन बाइकार्बोनेट के आइंस की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है और कोलिसटोकाइनन जो है वो जो आपके पेंक्राइटिक एंजाइम्स उनकी कंसनट्रेशन को उनकी मिकदार को कंट्रोल करता है तो सोमेटोस्टैटिन जब इन्हेबिटरी नेगेटिव मैसेज भेजता है इन दोनों हारमोन्स को तो इनकी सिक्रीशन में इन, सिक्रटिन एंड कोलिसनिन की जो अगर सिक्रेशंस कम हो जाएगी तो इन दोनों की कमी की वजह से पेंक्राइटिक इन्ज़ाइम्स और बाइकार्बोनेट आइंस भी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो इस तरह से रेगुलेट होती है हारमोनल मकैनिज़म के ज़रिए से पेंक्राइटिक डूस की सिक्रीशंस नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व प्रेजेंट होते हैं इन दी पेंक्राइटिक सिक्रेशन फर्स्ट वन इज़ दी प्रोटेलाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स जो कि एक्ट करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स प्रोटीनस के ऊपर ताकि उनको सिम्प्लीफाइड फॉर्म में डाइजेस्ट करवाया जा सके सेकेंड वन इज़ दी कार्बोहाइड्रेट वो एंजाइम जो कि एक्ट करते हैं हम आपके स्टार्च के ऊपर और उसको ब्रेक डाउन करवाते हैं इन टू दियर रिस्पेक्टिव डाई सेक्राइड ओमोनोसेक्राइड्स थर्ड वन इज दोज एक्टिंग ऑन दी लिपिड कॉम्पोनेंट ऑफ योर फूड लिपोलाइटिक इंजाइम जो कि फैट्स को तोड़कर अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं पेंक्राइटिक लाइपेज हैं कोलेस्ट्रॉल एंड फोसफोलाइपेज ये वो लिपोलाइटिक इंजाइम्स हैं जो तीनों तरह के लिपिड्स के ऊपर एक्ट करते हैं देन नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस ऑफ पेंक्राइटिक जूस फर्स्ट फंक्शन इज द डाइसिस फंक्शन कि ऑब्वियसली जब हमारे पास इन्ज़ाइम्स मौजूद हैं इस जूस के अंदर तो वो एक्ट करते हैं आपके लिपिड्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर और प्रोटीन्स के ऊपर ताकि उसको डाइजेस्ट करवाया जा सके और एब्जॉर्ब करवाया जा सके नेक्स्ट फंक्शन इज़ द न्यूट्रलाइजिंग एक्शन जैसे कि पता है यहाँ पे मेंशन है कि आपके जो पेंक्रियाटिक जूस है उसकी जो पी एच है दैट इज़ एन एल्कलाइन पी एच बेसिक पी एच ये बेसिक पी एच जो है वो बेसिकली आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा को एक दो एच सी एल से प्रे, मतलब प्रोटेक्ट करता है क्योंकि एच सी एल इट्स एन एसिड ये आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है अपनी एसिडिटी की वजह से तो वो जो एसिड आपके गैस्ट्रिक कंटेंट से आ रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचा सकता है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमारे पास पैंग्राइटिक जूस होता है जब बेस एंड एसिड मिलते हैं तो न्यूट्रल एक्शन होता है तो इस तरह से ये आपके गैस्ट्रिक जूस को उसके जो एसिडिक पी को उसको न्यूट्रलाइज करता है अपने बेसिक पी की मदद से ठीक है तो यहाँ पर कम्प्लीट होता है पेंक्राइटिक सिक्रीशंस एंड जूसेस नेक्स्ट है हमारे पास बाइल जूस बाइल जूस जो है वो आपके मेनली जो उसका ऑर्गन है उसको प्रोड्यूस करवाने वाला दैट इज़ लिवर ठीक है ये लिवर में प्रोड्यूस होता है और ये आपके ट्रांसफ़र होता है लिवर से गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर जो है वो रेज स्टोरेज हाउस के तौर पर एक्ट करता है बाइल के तो सिक्रीशन जो है वो इसकी हो रही है प्रोडक्शन आपकी बाइल जूस की इन योर लिवर और जो स्टोरेज है वो दैट टेक्स प्लेस इन योर गॉल ब्लैडर जो इसकी कलर है दैट इज़ येलोइश ग्रीन टू जो येलोइश ग्रीन से या डार्क ग्रीन कलर का ये एक फ्लूड होता है जिसके अंदर बहुत से हमारे पास सॉल्ट्स और पिगमेंट्स मौजूद होते हैं ठीक है जो डेली सिक्रेशन है दैट रेंजेस फ्रॉम फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड एम एल दो सेल्स हैं आपके लिवर के जो कि बाइल बनाते हैं द फर्स्ट वन इज योर रिपेटिक नॉर्मल एपीथीलियल सेल्स आपके लिवर uh, के एंड द सेकेंड वन इज दी डक्टल सेल जो कि एपिथीलियल वो एपीथीलियल सेल्स जो कि बाइल डक्ट्स के अंदर मौजूद हैं ठीक है तो दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ योर बाइल द फर्स्ट वन इज द एंड द सेकेंड वन इज डॉक्टल सेल्स नेक्स्ट टाइम आप पी एच सेवन पॉइंट सिक्स टू एट पॉइंट सिक्स जब ये लिवर में बनता है तो इसका पी एच है मोस्टली सेवन पॉइंट सिक्स जब ये ट्रांसफर होता है इन योर गोल्ड ब्लैडर एंड जो गोल्ड ब्लैडर से फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इसका जो पी एच है वो और बेसिक हो जाता है दैट इज एट पॉइंट सिक्स स्टोरेज ऑल् बाइल जूस इज सिक्रीड कंटीन्यूसली इट इज कंटीन्यूसली बाई लिवर बट इट इज स्टोर इन दी गोल्ड ब्लैडर एज आई एव मैंशन कि ये इसका जो प्रोडक्शन हाउस है वो लेवर है और इसका जो स्टोरेज हाउस है वो है गोल्ड ब्लैडर बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं आपके पास और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो एक्सक्रीटरी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं बाइल जो जो कॉम्पोनेंट है उसकी बात करते हैं कि कौन कौन से कॉन्टेंट्स मौजूद हैं वाटर है इसके अंदर और फिर बाइल सॉल्टस हैं बाई हैं कोलेस्ट्रॉल है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बाई एंड क्लोराइड आइंस आर प्रेजेंट इन दी बाइल जूस फंक्शंस ऑफ बाइल जूस के बायोजूस के फंक्शंस क्या है फंक्शंस जो है वो है फर्स्ट फंक्शन इज डाइजेशन डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करता है बाइल जो है वो एक बहुत असेंशियल कॉम्पोनेंट है आपके लिपिड्स के लिए क्योंकि लिपिड्स में जो अगर आप लोग को याद हो कि इमल्सिफिकेशन हो रही थी फैट की फ़ैट की इमल्सिफिकेशन वो किसकी मदद से होती थी बाइल जूस की मदद से ठीक है बाइल सॉल्ट्स जो थे वो आपके इन फैट के ड्रॉपलेट्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स जो कि एक इमल्सिफाइंग प्रोजेक्ट वो मतलब प्रोसेस था उसमें ये बाइल सॉल्ट्स इन्वॉल्व थे बाइल जूसेस ठीक है तो इस तरह से जो लिपिड की डाइजेशन का प्रोसेस है इसमें बाइल जो है वो हेल्प करता है बाई एक्टिंग एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट नेक्स्ट टाइम हमारे पास एब्जॉर्पन अगर आपको याद हो लिपिड्स की जो एबजॉर्पन थी फ़ैटी एसिड्स की मोनोग्लिसराइड्स की वो किस तरह से हो रही थी कि ये जो है वो लिपिड्स जो थे वो आपके मिसैल फॉर्मेशन कर रहे थे उस मिसैल फॉर्मेशन के लिए आपको बाइल सॉल्ट्स की ज़रूरत थी ये बाइल सॉल्ट्स कंबाइन हो रहे थे आपके इन तमाम तर जो फैटी एसड्स मोनोग्लेसराइड्स और फॉसफोलिपिड्स uh, थे इनके साथ मिसेल फॉर्म कर रहे थे ये मिसेल जो है वो फिर एब्जॉर्ब करवा रहा था फ्री फैटी एसिड्स को इन ब्लड सर्कुलेशन नेक्स्ट है हमारे पास दैट दैट इज द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ बाइल जूस जूस का एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है फर्स्ट एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है हमारे पास कि बहुत से हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं बहुत से ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि आपके बाइल जूस की मदद से जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं लिवर क्योंकि एक मतलब सेंटर है मेटाबॉलिक रिएक्शंस का बहुत से मेटाबॉलिज्म के जो रिएक्शंस हैं मेनली आपके लिवर में ही होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ योर लिवर एंजाइम्स ठीक है तो लिवर इन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो हमारे पास बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो तमाम बायो प्रोडक्ट्स इस बाइल के जरिए से बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं स्टूल में ठीक है तो बहुत से टॉक्सिन्स हैं ड्रग प्रोडक्ट्स हैं कोलेस्ट्रॉल लेसिथिन हैं जो कि एक्सक्रीट आउट होंगे आपके बाइल जूस के ज़रिए से लेगजेटिव एक्शन बाइल सॉल्ट्स का लेगजेटिव मींस के जो फीकल एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है उसको ये स्टिमुलेट करते हैं बाइल सोल्ट बाइल सॉल्ट पेरिसल्टिक वेव्स को बढ़ाएंगे जिसकी वजह से जी आई मोटैलिटी इनक्रीज़ होगी और जो फीसिस का एलिमिनेशन का प्रोसेस है वो स्पीड अप होगा ठीक है उसके बाद है कि मेंटेन करता है आपके पीएच को मतलब तो जो आपका डायजेस्टिव सिस्टम का जो पीएच है वो मेंटेन होता है बाइल जूस की मदद से किस तरह से कि आपके जो ड्यूटिनम ड्यूटिनल कंटेंट्स हैं उसका जो उसको एक सूटेबल पीएच प्रोवाइड करने के लिए बाइल जूस जो है वो हेल्प करता है अपने एल्कलाइन पीएच की मदद से ठीक है क्योंकि एसिड आ रहा है आपके स्टमक से इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि मतलब अफेक्ट कर सकता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को तो इसके इसके लिए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल के जो बाइल का जो अल्कलाइन पीएच है वो हेल्प करता है ताकि एसिडिटी कि जितने भी मतलब डेंजरस इफेक्ट्स हैं आपकी गैस्ट्रिक म्यूगोसा पे उसको इनिबिट किया जा सके प्रिवेंट किया जा सके ठीक है ने आ, यहाँ पे कंप्लीट होता है बाइल जूस के फंक्शंस सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू